स्टूडेंट्स, तो फेब वाले में तो मैंने बताया था कि किस टॉपिक का कितना वेटेज है और किस टॉपिक से कितने मार्क्स आए हैं, और मैंने ये भी बताया था कि टोटल 6-6 शिफ्ट में हुई थी तो टोटल 180 क्वेश्चन आए थे। तो उसमें फिजिक्स में कौन से 5 या 6 टॉपिक थे, मैथ्स में कौन से 5-6 टॉपिक थे, केमिस्ट्री में भी ऐसे ही कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स की, उसमें से कितने, मतलब 75 क्वेश्चन आउट ऑफ 180 कितने टॉपिक में से आए थे। तो वही अभी वो भी फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो चलिए पहले तो उसका डिस्कशन कर लेते, फिर मैं बताता हूँ जो मैंने लास्ट वीडियो में जो बोला था उसमें कहाँ तक चीज़ें सही निकली हैं। ओके, तो चलिए एक बार डिस्कस करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैथ्स की बात करते हैं। वेक्टर 3D से 23 क्वेश्चन आए थे, इंटीग्रेशन से 16 आए थे, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से 16 आए थे, AOD से 10 आए थे और प्रोबेबिलिटी से 7। अब इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन से 8 क्वेश्चंस, PNC से 5 क्वेश्चंस, ट्रिगो से 7 क्वेश्चंस थे, प्रोग्रेशन से 5, लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी से 7 क्वेश्चन थे, फंक्शन से 8 क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स नंबर से 7 क्वेश्चन, मैथमेटिकल रीजनिंग से आए थे 4 क्वेश्चंस, सर्कल से इस बार ज़्यादा आए थे 12 क्वेश्चंस, बायनोमियल थ्योरम से भी 10 क्वेश्चन आए, क्वाड्रेटिक से 2 क्वेश्चन, एरिया अंडर कर्व से 3 क्वेश्चंस, पैराबोला से 2 क्वेश्चन, स्ट्रेट लाइन से 5 क्वेश्चंस, इनवर्स ट्रिगो से 5 क्वेश्चंस, डिफरेंशिएशन से 4 क्वेश्चन, एलिप्स से 3 और हाइपरबोला से 2, सेट्स एंड रिलेशन से 4 और स्टैटिस्टिक्स से 5 क्वेश्चंस। इस बार कोऑर्डिनेट से थोड़ा सा ज़्यादा रहा मामला। अब फिजिक्स की बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स से 19 क्वेश्चंस, हीट से 16 क्वेश्चन, वेव से 14 क्वेश्चन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 9 क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर से बात करें तो 8 क्वेश्चंस, ग्रेविटेशन से 8 क्वेश्चंस हैं, SHM से 9 क्वेश्चंस, ऑप्टिक्स से आए हैं 12 क्वेश्चंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से 5 क्वेश्चंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से 5 क्वेश्चंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 8 हैं, ऑर्डिनेटिक करंट से 10 है, रिजिड बॉडी RBD से है 12 क्वेश्चंस, यूनिट एंड डायमेंशन से नहीं आया था, रेक्टिलिनियर मोशन से 9 क्वेश्चंस और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से 6 क्वेश्चंस, सेंटर ऑफ मास से 5 क्वेश्चंस, वर्क पावर एनर्जी से 3 और इलास्टिसिटी विस्कोसिटी से 2 क्वेश्चन, कैपेसिटेंस थर्मल एक्सपेंशन से 2 क्वेश्चन, सरफेस टेंशन से 1 क्वेश्चन, एरर एंड मेजरमेंट से 6 क्वेश्चन आए थे इस बार 6 क्वेश्चन आए और सर्कुलर मोशन से 4 क्वेश्चन। अब केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिकल बॉन्डिंग से 7 क्वेश्चन, एरोमेटिक कंपाउंड से 11 क्वेश्चन, ब्लॉक केमिस्ट्री से 23 क्वेश्चन थे, मेटलर्जी से 6 क्वेश्चन, रेडॉक्स से 3, कार्बोनिल कंपाउंड से 8, मोल से 14 क्वेश्चन, केमिकल काइनेटिक्स से 5, सरफेस केमिस्ट्री से 5, कोऑर्डिनेशन से 7 क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन से 4 क्वेश्चन, पीरियोडिक टेबल से 7 क्वेश्चन, फिर सॉल्यूशन से 6 क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स से 9 क्वेश्चन, एटॉमिक स्ट्रक्चर से 7 क्वेश्चन हैं, एटॉमिक से 7 क्वेश्चन, यस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 5 क्वेश्चन, GOC से 6 क्वेश्चन, इस बार हैलोजन से नहीं आया, आयनिक इक्विलिब्रिया से 3 क्वेश्चंस, अल्कोहल ईथर से 8 क्वेश्चंस, कार्बोक्सिलिक एसिड से 2 क्वेश्चन, पॉलीमर से 1, फिर केमिस्ट्री डेली लाइफ से 4 क्वेश्चन, हाइड्रोजन से 4 और सॉलिड स्टेट से 5, केमिकल इक्विलिब्रियम से 2 क्वेश्चन, गैसेस स्टेट से 1 क्वेश्चन, बायोमोलिक्यूल्स से 6 क्वेश्चन और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से 5 क्वेश्चन और POC से 6 क्वेश्चन। तो अब चलिए ओवरव्यू इसका लेते हैं। वेक्टर 3D इंटीग्रेशन, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, AOD और प्रोबेबिलिटी से 75 आउट ऑफ 180 फेब में आए थे, इस बार 72 आउट ऑफ 180। फिर मॉडर्न फिजिक्स, हीट, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनेमिक्स, वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और सेमी कंडक्टर से लास्ट टाइम 76 आए थे आउट ऑफ 180, इस बार ऑप्टिक्स को भी अगर हम और मिला लें तो 78 आए। केमिकल बॉन्डिंग से और एरोमेटिक कंपाउंड, ब्लॉक केमिस्ट्री, मेटलर्जी, रेडॉक्स, कार्बोनिल कंपाउंड, मोल, 75 फेब में आए थे, इस बार 72 आए हैं। तो अब आपको देखना है कि क्या टॉपिक आप चूज करें और क्या टॉपिक आप स्किप कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, देख लिया ना, जो स्टूडेंट फेब वाले में भी उनके जिनका कट ऑफ नहीं निकला और इस बार भी वो कट ऑफ के लिए प्रॉब्लम में थे, अगर उन्होंने लास्ट वाली बात जो अपने फेब में बोला था अगर हमारी बिल्कुल एग्जैक्टली बात मान लेते तो मेरे ख्याल में कट ऑफ निकलने में तो कोई दिक्कत नहीं होती। देखिए, अब ये बात ठीक है कि वेक्टर 3D इंटीग्रेशन, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, AOD और प्रोबेबिलिटी, इसमें लास्ट टर्म पे 75 क्वेश्चंस आए थे आउट ऑफ 180, इस बार ओके 72 क्वेश्चंस है, इट्स ओके 72 क्वेश्चंस है, ठीक। लेकिन एकदम से कोई ड्रास्टिक डिफरेंस तो नहीं हुआ ना। ऐसे ही फिजिक्स में भी एक ऑप्टिक्स को और ऐड कर दें, अगर ऑप्टिक्स को ऐड कर दें तो लास्ट टर्म पे मॉडर्न फिजिक्स, हीट, वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, सेमीकंडक्टर से 76 क्वेश्चंस आए थे, इस बार बस इसमें थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है कि हाँ ऑप्टिक्स को और ऐड कर दे रहे तब हमारे 78 क्वेश्चंस आ रहे हैं।
तो जो अगर मान लीजिए इनकेस आपने उतना ही पढ़ा होता जितना मैं जो मैंने टॉपिक्स बोले थे तो भी कट ऑफ निकलने में कोई दिक्कत नहीं होती, और जिनके मार्क्स 200 के आसपास चल रहे थे वो इन टॉपिक को बिल्कुल बहुत अच्छे से प्रेसअप कर लेते तो उनके 240 प्लस आराम से आते, या आ गए होंगे जिन्होंने भी देखा था। मैं अब ऐसी केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में बस केवल देख लीजिए तीन क्वेश्चन का डिफरेंस है, केमिकल बॉन्डिंग, एरोमेटिक कंपाउंड, ब्लॉक केमिस्ट्री, मेटलर्जी, रेडॉक्स और कार्बोनिल कंपाउंड, मोल। इसमें पिछली बार 75 क्वेश्चन थे आउट ऑफ 180, इस बार 72 क्वेश्चन हैं, तो थोड़ा बहुत हेर फेर हुआ है, लेकिन मैंने बोला था कि हाँ इन पांच छह टॉपिक पे अगर आप अच्छे से फोकस कर लेंगे तो आपका कट ऑफ तो निकल ही आएगा, और जिनके 200-220 नंबर हैं वो इस पर और प्रेसअप कर दे और अच्छे से इसको तगड़े से बिल्कुल बढ़िया से कर लें तो उनके 99.9 से भी परसेंटाइल ऊपर खिंच सकता है। तो अब ये आपको देखना है कि कौन से टॉपिक चूज करने हैं, कौन से टॉपिक स्किप करने हैं, अगर आप एट द एज ऑफ कट ऑफ हैं ठीक है, और आपको नंबर और अच्छे लाने हैं तो फिर उसके लिए भी ये चीज़ जरूरी है। तो ठीक है, अभी अप्रैल में फिर से हम लोग देखेंगे, मेरे ख्याल में तो इसी से ही कुछ बनना चाहिए। ओके बाय।